Welcome friends, welcome back, welcome to project number 4. This is Shahnawaz. Aaj hum line plan se 3D design karenge. How to convert line plan into 3D. Single room ka line plan jo humne previous project mein banaya tha, usko aaj hum convert karenge different option use karke 3D design mein. Let's move. Okay friends, to main line plan ko ओपन कर रहा हूं अपने ऑटोकैड में. सबसे पहले इसकी जो एक्स्ट्रा लाइंस है, एक्स्ट्रा चीजें हमें डिलीट, क्योंकि अब हमें प्रिंट के लिए नहीं चाहिए. याद रखिएगा कि हमें 3D डिजाइन के लिए चाहिए. एक सिंपल 3D डिजाइन हम बना रहे हैं. तो यहां से क्लिक करके मैं इसको भी क्लिक कर सकता हूं और फिर यहां पर वर्किंग एरिया में मैं जाऊंगा तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा या यहाँ पर क्लिक करूंगा होम के आइकन को. तो सबसे पहले मैं ये एक्स्ट्रा चीजें इसकी डिलीट कर रहा हूं क्योंकि ये अब हमें नहीं चाहिए. विंडोज भी डिलीट कर दें, ये डायमेंशन भी डिलीट कर दें और गेट का जो फिगर है वो भी डिलीट कर दें. ये एक्स्ट्रा ये दोनों चीजें शायद मुझसे गलती से बन गई, ये मैंने भी डिलीट कर रहा हूँ. ओके तो अब मैं लेयर्स है, अब ये जो वॉल का लेयर है और वॉल इसको मैं वॉल के लेयर पर शिफ्ट कर रहा हूँ. ओके सॉरी, ये चेक करते हैं कि ये वॉल के लेयर पर है और छज्जा जो है इसको मैं छज्जा के लेयर पर. सही है, अब मैं विंडोज बनाऊंगा, विंडोज के लेयर पे आऊंगा. विंडोज अब मुझे विंडोज फिर से डिजाइन करनी पड़ेगी. इसके लिए पॉलीलाइन या लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं पॉलीलाइन का इस्तेमाल कर रहा हूँ. समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही आपको समझा. यहाँ पर मैं ज्वाइन करूंगा, यहाँ पर ज्वाइन करके, यहाँ पर ज्वाइन करके, यहाँ पर ज्वाइन करके स्किप कर दूंगा. फिर मैं पॉलीलाइन ये गेट में फिर से डिजाइन करूंगा, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करूंगा, फिर यहाँ पर एस्केप करूंगा. ये मैंने सॉरी ये गेट है तो मैं इससे गेट के लेयर पर शिफ्ट करूंगा डोर. ओके गाइस, तो अब मैं इसको चेंज करूंगा. अब ये क्योंकि मैंने लेयर इसीलिए अलग बनाए हैं क्योंकि ये आगे चल के ये हमें आसानी से काम करने में अलाउ करेंगे. तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा वर्किंग एनवायरनमेंट ओरिएंटेशन. अब ये जो व्हाइट वाली वॉल्स हैं इसे मुझे प्रेस पुल करना पड़ेगा, मतलब कि हाइट देनी पड़ेगी. तो जस्ट हम अज्यूम करते हैं कि 10 फीट की हम हाइट देते हैं अपनी वॉल्स को. अच्छा, ये जो छोटा ना स्क्वायर है इसको बीच में रखना पड़ेगा इस एरिया के. क्लिक करके मुझे ऊपर सॉरी ये रेड क्यों आ रहा है डोंट नो. ये प्रिंसिपल को क्लिक किया, यहाँ पर कमांड लिख के आ गई है, इसको मैं क्लिक करके. अच्छा सॉरी, मैं दो विंडोज के इस पे लेयर पे हूँ, मैं वॉल्स के लेयर पर जाऊंगा. वॉल्स ओके, प्रिंसिपल क्लिक इनसाइड द एरिया, उसको ऊपर करना पड़ेगा. अच्छा याद रखिएगा कि ये हमारा जो ऑर्थो मोड हो ये ऑन हो, कि ये डायरेक्ट हमें एक डायरेक्शन में सीधे डायरेक्शन में ये हमें ऊपर राइज करेगा 10 फीट. सॉरी 10 फीट का सिंबल एंटर और उसके बाद ये मैं प्रिंसिपल को फिर सेलेक्ट करूंगा, फिर इस कॉर्नर को ऊपर करके 10 फीट एंटर और ये हमारा एक ही सेक्शन है, इसको क्लिक करके ऊपर करके 10 फीट एंटर. ये हमारी वॉल्स रेडी हो गई हैं. अब इसको मैं चेक करूंगा 3D वायर फ्रेम से. ग्रे शेड्स ऑफ ग्रे को क्लिक करूंगा तो ये जो इनिशियल हमारा डिजाइन है सिंगल रूम का ये बन रहा है. शेड्स ऑफ ग्रे में भी हम काम कर सकते हैं. अच्छा तो उसके बाद ये
विंडोज बनाऊंगा, विंडो की हमारी साइज थी 4x4। अब टेक्निक देखिए, ये जो हाइट है हमारे वॉल की ये है 10 फीट, तो मैं एक टेक्निक यूज करूंगा, सिंपली प्रेस पुल यूज करूंगा, इनसाइड क्लिक करके, यहाँ पर क्लिक करके 3 फीट इंटर, 3 फीट की हाइट दे दी मैंने इसे। अब ये हमारा अलग ऑब्जेक्ट है विंडोज का, सॉरी, अब मैं विंडोज पे आके, विंडोज के लेयर पे आके फिर इसको प्रेस पुल करूंगा, प्रेस पुल 3 फीट इंटर। अब मैं इस सेक्शन को कॉपी करूंगा, सिलेक्ट, कॉपी कमांड को क्लिक करूंगा, अच्छा सिलेक्ट, सिर्फ हमें एक ही ऑब्जेक्ट चाहिए, सिलेक्ट कॉपी, वो यहाँ से कार्नर ये नहीं चाहिए, ये कार्नर चाहिए, ये कार्नर, मैं जूम करके ये कार्नर इसको क्लिक करके ऊपर ले जाऊंगा, इसको थोड़ा सा और इसको यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा। ये वही साइज मैंने 3 फीट का, ये जो ब्लॉक है मैंने कॉपी किया, 3 फीट ऊपर रख दिया, 3 फुट और 3 फुट चेंज, बाकी हमारी विंडोज बची 4 फीट की। अब इस डोर को मैं प्रेस पुल करूंगा, प्रेस पुल कमांड, अब ये 10 फीट हाइट है हमारे वॉल की, तो ये मैं सेक्शन इसका निकालूंगा 4 फीट इंटर। अब 4 फीट इसको मैं मूव कर दूंगा, मूव कमांड, मूव कमांड ये है। अब ये कार्नर हमें इस कार्नर से सेट करना पड़ेगा, एंड पॉइंट, ओके इंटर। अब ये मैंने इसका सेक्शन ऊपर सेट कर दिया, भले हम ये लाइंस डिलीट कर दें, कोई इशू नहीं। अब ये लाइंस हम डिलीट कर देंगे, अब इस डोर के बाद हमें ये जो छज्जा है इसको मैं प्रेस पुल करूंगा 3 इंच इंटर, 3 इंच इसको मैं प्रेस पुल कर दिया। अब इसको मैं मूव करूंगा, मूव कमांड, मूव, मूव को क्लिक करूंगा, सेलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करके ऊपर डायरेक्ट। हमारा डोर कितनी साइज का है, हाइट का 6 फीट, 6 फीट इंटर, ये 6 फीट पे छज्जा मूव हो जाएगा। हम चेक करेंगे तो सिलेक्शन खत्म करेंगे, अब ये लाइन हम क्लिक कर देंगे, डिलीट। अब इसको मैं चेक करूंगा कि इनिशियल डिजाइन हमारा सिंगल रूम का ऐसा ऐसा रेडी हो रहा है, मैं इसको ऑर्बिट करके रोटेट करूंगा। अब मैं यहाँ पर एक फिलेट कमांड यूज करूंगा, जो इसके कॉर्नर रहे मैं राउंड कर दूंगा, सॉलिड फिलेट एजेस, इस एज पे मैं क्लिक करूंगा, इंटर कर दूंगा, फिर इंटर कर दूंगा, फिर फिलेट नीचे वाली एज पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर इंटर, इंटर। अब ये देखिए कि हमारी जो एजेस हैं वो, मैं इसको ऑर्बिट करके आपको दिखा रहा हूँ, ये जो एजेस हैं देखिए यहाँ पर, ये इसकी राउंड हो गए, इसकी जो एजेस हैं राउंड हो गए। अब इसको मैं रियल मोड में देखूंगा, होम रियलिस्टिक व्यू, ये हमारा रियलिस्टिक व्यू है, कलर्स का चेंज हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, शेड साफ ग्रे। अब मैं इस सब को, छज्जे को छोड़कर मैं इसको एक ब्लॉक में कन्वर्ट करूंगा, इसको सिलेक्ट किया 3D सॉलिड, इसको सिलेक्ट 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 सिलेक्ट
वैलिड यूनियन इंटर। ये कमांड नहीं करे जो प्रीवियस वर्जन में ये कमांड काम करते, अगर ये कमांड काम नहीं करे तो सॉलिड यूनियन को क्लिक करके सिलेक्ट हो गए, यहाँ पर क्लिक, यहाँ पर क्लिक, यहाँ पर ये मुख्तलिफ हम ये ब्लॉक्स इंटर क्लिक और क्लिक क्लिक और इंटर कर दें, ये एक ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा रूम। ये छज्जा हमारा अलग है इस पर, क्योंकि हम अलग इसीलिए कर रहे हैं कि इसको मुझे बाद में टेक्सचर अप्लाई करना। अब इसका मैं बेस प्लिंथ बनाऊंगा, ये लाइन में डिलीट कर लेता हूं। अब प्लिंथ बनाने के लिए मैं बॉक्स का इस्तेमाल करूंगा, बॉक्स यहां पर क्लिक करके, यहां पर क्लिक करूंगा, फिर नीचे मुझे 2 फीट का प्लिंथ चाहिए, 2 फीट, और इसकी छत बना रहा हूं। अब डिजाइन आप कोई भी रख सकते हैं। इसका प्लिंथ बन गया, और छत के लिए हम सरफेस टूल भी यूज कर सकते हैं या बॉक्स भी यूज सकते हैं, बॉक्स यहाँ पर क्लिक करके मैं इसको ड्रैग करूँगा यहाँ पर, और 1 इंच का हम इसकी छत निकाल लेते हैं, 1 इंच। ये देखिए हमारा सिंपल रूम रेडी हो गया है। अब इसको मैं रोटेट करके देखता हूँ, ये प्लिंथ था क्या इसकी, जो ये मैं ख़त्म कर लेता हूँ। अब आप देखिए ये सिंगल रूम हमारा रेडी हो गया। अब इसको मैं मटेरियल अप्लाई करूँगा। दूसरे वीडियो में हम इसके गेट डिज़ाइन करेंगे और इसकी विंडोज डिज़ाइन कर, अगर इसमें डिज़ाइन किए तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब मैं इसको सिंपल मटेरियल अप्लाई कर रहा हूँ, मटेरियल आप MAT लिखेंगे, मटेरियल ब्राउज़र को क्लिक कीजिए, मटेरियल ब्राउजर ओपन हो जाएगा। ये हमारा मटेरियल ब्राउजर ओपन हो गया, तो इसमें हम कोई भी सेक्शन वाइज मटेरियल सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं होम को क्लिक करूंगा, ऑटोडेस्क लाइब्रेरी कोई भी मैं अब इस मेसनरी को सिलेक्ट करके ब्रिक्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूँगा, मुझे इस यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है हमारी वॉल्स, इसको मैं ब्रिक्स अप्लाई करूँगा। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके अब राइट क्लिक करके इसको असाइन, ये मैंने ब्रिक्स अप्लाई कर दी, मगर मुझे नज़र नहीं आ रही क्योंकि ये मैं इसका व्यू चेंज करूँगा, इसको क्लिक करके रियलिस्टिक व्यू में करूँगा। ये आप देखिए कि ब्रिक्स का जो ऑप्शन है वो मैंने अप्लाई कर दिया है। अब इसकी साइज पर ब्रिक की साइज आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई है, इसको क्लिक करके नेक्स्ट विंडोज में आप आ जाएंगे, तो ये ब्रिक्स है, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो फिर दूसरी विंडोज आ जाएगी। अब ये ब्रिक की साइज है 3, सिंपल साइज है 3 फुट, तो अगर 2 फिट करेंगे तो 2 फिट हो जाएगी। तो ये यहाँ पर मैं 2 लिख रहा हूँ, 2 फीट इंटर। ये देखिए ये छोटी हो गई, यहाँ पर क्लोज कर दिए। आप प्रॉपर्टी जो भी आप अप्लाई करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये मुझे, मैंने सिंपल आप दूसरी छत पे या इस छज्जे पे या प्लिंथ पे, तो प्लिंथ में मैं कोई स्टोन वगैरह अप्लाई कर रहा हूँ। मटेरियल ब्राउजर टाइल को क्लिक कर रहा हूँ, कंक्रीट एसन फैब्रिक मार्बल होगा आई थिंक सो, स्टोन है, स्टोन में ग्रेनाइट है, तो मैं प्लिंथ को सिलेक्ट करके ये ग्रेनाइट अप्लाई कर रहा हूँ। ये देखिए ये प्लिंथ को ग्रेनाइट अप्लाई हो गया, या मैं ये यूज कर रहा हूँ, प्लिंथ को सिलेक्ट करके अप्लाई टू सिलेक्शन,
ये देखिए ये ग्रेनाइट प्लेन पे अप्लाई हो गया। ये सिंपल रूम ऑलमोस्ट रेडी है हमारा। ये मैंने इसके प्लिंथ पे दूसरा मटेरियल अप्लाई कर दिया है। अगर ये सही नहीं तो ये राइट क्लिक सिलेक्शन, ये प्लिंथ पे मैंने अप्लाई कर दिया है। अगर ये आप सो रूफिंग रूफिंग स्लाइडिंग वॉल कवरिंग वॉल वुड मार्बल 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 राइट क्लिक स्लाइड, ये मार्बल अप्लाई हो गया। ये हमारे प्लिंथ पे ये अंदर साइड में सब मार्बल अप्लाई हो गया। छज्जे को सिलेक्ट कर रहा हूँ, छज्जे को सॉलिड को क्लिक कीजिए। अब इसकी रूफिंग का ऑप्शन होगा, रूफ फ्लोरिंग, ये रूफ है तो ये राइट क्लिक करके साइड सिलेक्शन। अब ये छज्जे का साइड डिज़ाइन भी आ गया। और आप इसी तरह से आपको जो भी अच्छा मटेरियल लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बनाएंगे, इसकी जो विंडोज और डोर की डिज़ाइंस बनाएंगे। तो ये सिंपल में हमारा जो 3D रूम है लाइन प्लान से हमने 3D में कन्वर्ट कर लिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।